बात 80 के दशक की है, जब बिहार में व्यवस्था अराजकता के आगोश में सिमटती जा रही थी। सरकारी इकबाल अंधेरे में डूब रहा था, तब गंगा किनारे मोकामा दियारा में अपराध के नए सूरज का उदय हो रहा था। उस सूरज का जिसकी तपिश से करीब 1.5 दशक तक कानून झुलसता रहा, कोना कोना कांपता रहा। बिहार को अपने ताप से तड़पाने वाले उस बाहुबली का नाम था सूरज भान सिंह। जिस उम्र में बच्चे कंचे से खेलते हैं, उस उम्र में सूरज भान की हसरत तमंचा थी। जिस उम्र में लड़के डॉक्टर इंजीनियर बनने का ख्वाब देखते हैं, उस उम्र में सूरज भान सिंह रंगदार बनने के लिए कसरत कर रहे थे। बाहुबली बनने की जिद में अपराध का नया आयाम गढ़ने वाले सूरज भान का असली नाम सूरज सिंह है। 5 मार्च 1965 को मोकामा के शंकरवार टोला में सूरज सिंह का जन्म हुआ था। सूरज सिंह को न कभी पढ़ने की इच्छा थी, न वो कभी स्कूल गया। जुआ खेलने के जुनूनी सूरज सिंह ने बचपन में ही क्राइम कैरियर के निर्माण में पूरी जान लगा दी। बदमाशी कब जुर्म में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। पता तब चला जब उस दुकानदार से रंगदारी मांग ली थी जहां सूरज के पिता नौकरी करते थे। पिता ने मना किया, फिर भी सूरज नहीं माना। कहते हैं कि इसी शर्म से पिता ने खुदकुशी कर ली थी। ये 80 के दशक के अंत की बात है। इसके बाद सूरज के अपराध का भान मोकामा से होते हुए बरौनी, बेगूसराय या कहिए कि गंगा के आर पार पसर गया। 1992 का साल था, जनवरी का महीना था। सर्द सुबह में बेगूसराय के एक रामी सिंह की हत्या हो गई। हत्यारों में एक नाम था सूरज सिंह का। सूरज सिंह की गिरफ्तारी हुई, कुछ महीने बाद जब जेल से निकला तो सूरज का भौकाल पहले से कहीं ज्यादा टाइट हो गया। मोकामा, बेगूसराय, बरौनी से पटना तक गुनाह की लकीर खींचने लगा। हालांकि कुछ सालों बाद रामी सिंह की हत्या में ही सबसे पहले सूरज भान को उम्र कैद की सजा हुई थी। इस बीच उसकी दुश्मनी अशोक सम्राट से हो चुकी थी। बरौनी का बस स्टैंड कब्जाने के लिए सूरज सिंह ने अशोक सम्राट के ठिकानों पर हमला कर दिया। अशोक सम्राट के 4 लोगों की हत्या हो गई। इस चुनौती से बिहार का पहला AK-47 वाला बाहुबली बौखला गया। सूरज यानी सूरज भान सिंह को मारने का प्लान बना। बताते हैं कि 24 दिसंबर 1992 को मोकामा में सूरज भान सिंह के गांव के पास ही उस पर हमला हुआ। अशोक सम्राट ने AK-47 से गोलियां दागी। सूरज भान सिंह के 2 साथी मारे गए, लेकिन सूरज भान पर जब गोलियां चलने लगी तो बीच में एक गाय आ गई। AK-47 की सारी गोलियां गाय के जिस्म में धंस गई। तब तक 1-2 गोली लगने के बावजूद सूरज सिंह भाग गया। गाय ने सूरज भान की जिंदगी बचा ली। नई जिंदगी मिलते ही सूरज सिंह अगिया बेताल बन गया, क्योंकि बारूद उगलता सूरज वो मुकाम हासिल करना चाहता था जिसके इर्द गिर्द कोई न हो। हत्या, रंगदारी, वसूली को सीढ़ी बनाकर वो ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन अपना ही नाम सूरज की राह में रोड़ा बनता जा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इलाके में सूरज सिंह नाम से एक और डॉन था जो सूरज सिंह यानी सूरज भान सिंह से काफी सीनियर था। बिहार के अंडरवर्ल्ड में उस सूरज सिंह की ख्याति कहीं ज्यादा थी। कांड जूनियर सूरज करता था और इसका फायदा सीनियर सूरज सिंह को हो जाता था। इसलिए सूरज भान सिंह ने अपना नाम बदलने का फैसला लिया। सूरज सिंह सूरज भान सिंह बन गया। नाम बदलने के बाद और ज्यादा कोहराम मचाने लगा।
अशोक सम्राट से टकराने के लिए राम लखन सिंह का शागिर्द बन गया। वही राम लखन सिंह जो उस वक्त ठेकेदार थे, जिसे ठेकेदारी के लिए जुनूनी बाहुबली चाहिए था, जो बाद में बीजेपी का नेता बन गया। खैर, सूरजभान सिंह राम लखन सिंह की उंगली पकड़कर आगे बढ़ने लगा। तब गोरखपुर में रेलवे की ठेकेदारी तय होती थी। बंदूक के दम पर रेलवे का ठेका लेने के लिए राम लखन सिंह सूरजभान को ही भेजते थे। इस बीच अशोक सम्राट का एनकाउंटर हो गया। अशोक के अंत होते ही सूरजभान के रास्ते का एकमात्र रोड़ा उखड़ गया। सूरजभान के आपराधिक आभा मंडल ने राज्य स्तरीय आकार लेना शुरू कर दिया। उत्तर बिहार में रेलवे की ठेकेदारी सूरजभान की बंदूक तय करने लगी। इस बीच में जो आया वो मारा गया या फिर इलाका छोड़ गया। जिस तरह सूरजभान के आपराधिक साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, उसी तरह उसके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। सूरजभान का एक ऐसा ही दुश्मन था जिसे सरकारी संरक्षण प्राप्त था, जो खुद को गुनाहों का इकलौता सरदार घोषित कर चुका था। वो था ब्रज बिहारी प्रसाद, जिसे श्री प्रकाश शुक्ला ने बीच पटना में गोलियों से भून दिया था। कहते हैं कि जब श्री प्रकाश की बंदूक से ब्रज बिहारी के जिस्म पर गोलियां दागी जा रही थी, तब सूरजभान सिंह भी वहां मौजूद थे, लेकिन ये अदालत में कभी साबित नहीं हो सका। कहा तो ये भी जाता है कि जब श्री प्रकाश शुक्ला ने बीच लखनऊ में वीरेंद्र शाही पर गोलियों की बौछार की थी, तब सूरजभान सिंह भी उसके साथ था, लेकिन इसके भी कोई सबूत नहीं मिले। सूरजभान और श्री प्रकाश शुक्ला की जोड़ी यूपी और बिहार में खौफ का नया पर्याय बन चुकी थी। पुलिस के रजिस्टर में केस और केस की धाराओं की कोई गिनती नहीं बची थी। 30 से ज्यादा मुकदमे सूरजभान सिंह के जुर्म की व्याख्या कर रहे थे। इस बीच शंकरवार टोला में ही पुलिस के साथ सूरजभान सिंह की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से दनादन गोलियां चली। गोली पुलिस वालों को भी लगी, गोली सूरजभान सिंह के पैर में भी लगी। हालांकि सूरजभान सिंह को उसके गुर्गे बचाकर ले गए, लेकिन ये गोली सूरजभान सिंह के लिए नासूर बन गई। फरार सूरजभान को सही से इलाज नहीं मिला, लिहाजा पैर सड़ने लगा। कहते हैं कि तब श्री प्रकाश शुक्ला की मदद से इलाहाबाद के एक अस्पताल में सूरजभान सिंह का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन पैर ठीक होने से पहले ही वहां भी पुलिस पहुंच गई। सूरजभान सिंह को नेपाल भागना पड़ा। नेपाल में भी ठीक से इलाज नहीं मिला, लिहाजा बिहार लौटा और फिर जेल में इलाज कराने के लिए खुद को गिरफ्तार करवाया। बाद में सूरजभान सिंह का इलाज हुआ, लेकिन पैर ठीक नहीं हुआ। आज भी वो लंगड़ा कर चलते हैं। जब बिहार में AK-47 को खादी से ढकने की रवायतों की शुरुआत हो रही थी, तब सूरजभान सिंह ने अपने क्राइम कैरियर को राजनीति की तरफ मोड़ दिया। साल 2000 में पहली बार निर्दलीय विधायक बने। 2004 में बलिया से सांसद भी बन गए। फिर अदालत ने चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी, तो रामविलास पासवान की छत्र छाया में सूरजभान सिंह ने राजनीति में परिवारवाद को विस्तार दिया। पहले पत्नी को सांसद बनवाया, फिर भाई को। दूसरे भाई भी चुनाव हार चुके हैं। राजनीति में आते ही धीरे धीरे सूरजभान सिंह के ऊपर से खूनी मुकदमों का बोझ कमता गया। वो अब खाटी नेता बन चुके हैं। नेतागिरी के आभा मंडल में सारे गुनाह छिप चुके हैं। सूरजभान सिंह उस कुख्यात डॉन के माननीय बन जाने की कहानी है, जिसका अतीत बेहिसाब आरोपों में उलझा हुआ है। ये थी सूरजभान सिंह की कहानी। अगर आप गुनाह, राजनीति, खेल या किसी भी क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली किसी भी शख्सियत के बारे में विस्तार से जानना सुनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।